हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, फाइनली अगर बात करेंगे तो एक और डिवीजन से खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है एक और डिवीजन से एएलपी 50% प्रमोशनल कोटा डिपार्टमेंटल कोटे की जो है एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी हो चुकी है। बात करेंगे तो यहाँ पर जितनी वैकेंसी आई है उससे भी कम कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो इस डिवीज़न में अगर बात करें तो छात्रों की बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी से भी कम छात्रों के फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पर बस जैसे ही आप कोई कैंडिडेट अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आता है तो वहाँ पर जो है उनका फाइनल निश्चित है, और A1 कैटेगरी का मेडिकल है और साइको अच्छे से निकाल लेता है तो उनका जो है यहाँ पर ALP बनना निश्चित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से भी कम अप्लाई हुए हैं फॉर्म। इसी वीडियो में बात करेंगे तो इस डिवीज़न की एग्ज़ाम डेट ALP की कब तक के जारी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन से डिवीज़न से ALP 50% की अभी एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड GDC और LDC की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीज़न से अब नोटिस जारी हो चुकी एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ ALP 50%। 12/9/2024 की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट आप सबके सामने हम लेकर के आए हैं। प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ JDC कोटा ऑन वन टाइम मेजर्स। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपका 50% ALP के जो एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की गई है, और यहाँ पर जब नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि नॉट एलिजिबल पाए गए हैं, और टोटल अगर बात करें तो 680 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से जो है 35 कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल पाए गए हैं, और यहीं पर अगर बात करेंगे तो 645 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो 35 कैंडिडेट्स इनएलिजिबल पाए गए हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपना प्रॉपर चैनल के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ताकि उनका जो है जिस भी रिमार्क्स के कारण, मतलब कि जिस भी त्रुटि या इरर के कारण उनका जो है या कमी के कारण उनका इनएलिजिबल पाया गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया फॉर्म, तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इनक्लोज किया गया एनेक्सल एक एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ टोटल 680 कैंडिडेट्स इन 24 पेज में एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई, जिसमें 680 कैंडिडेट्स के नाम हैं, जिसमें से 35 कैंडिडेट्स इन एलिजिबल मतलब कि नॉट एक्सेप्टेड पाए गए हैं, और बाकी के 645 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं। तो आइए हम नीचे लिस्ट देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट फर्स्ट हमने ओपन कर लिया है। देखिए प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है असिस्टेंट को पायलट की 50% कोटे की। अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, कैंडिडेट का PF नंबर, HRMS ID, नाम, कम्युनिटी, डिजाइनेशन, लेवल दिया गया है। देखिए लेवल 1 और लेवल 2 ही इसमें एलिजिबल थे, लेवल 3, 4, 5, 6 मतलब लेवल 2 के ऊपर कोई भी एलिजिबल नहीं था। आगे दे रखा डिपार्टमेंट जिसके भी अंडर में काम करते हैं, या और साथ में क्वालिफिकेशन, एज दिया गया है 1/1/2024 के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, स्टेशन, एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबल पाएगा या फिर नॉट एलिजिबल। अगर कोई कैंडिडेट नॉट एलिजिबल पाया गया तो रीज़न भी उसका दिया गया किस वजह से उसको नॉट एलिजिबल किया गया है। तो कैंडिडेट्स लिस्ट देख सकते हैं, ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ये PDF डाउनलोड करके अपना जो है नाम यहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हैं बिलासपुर डिवीज़न वाले छात्र। अब इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल 680 कैंडिडेट्स की लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें से 35 कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल है और 645 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में देखें यहाँ पर रिमार्क्स दे रखा है कि हेडक्वार्टर स्टाफ लाइन नॉट मेंटेन्ड इन दिस डिवीज़न, मतलब कि यहाँ पर जो है इस डिवीज़न में हेडक्वार्टर स्टाफ जो है मेंटेन नहीं करते हैं। इस तरह से कुछ टर्म्स वगैरह दिए गए हैं। आगे दे रखा है इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड एट एनी स्टेज इन रिगार्ड टू द एप्लीकेंट द कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसिल्ड और एट एनी स्टेज, मतलब कि कैंडिडेट को बिना कोई इन्फॉर्मेशन की अगर कोई कैंडिडेट अगर पाया जाता है कि उसने जो है गलत तरीके से यहाँ पर जो है अप्लाई किया है, तो उसको किसी भी स्टेज पर जो है कैंडिडेचर उसका कैंसिल किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसकी एग्ज़ाम कब तक की हो सकती है, तो देखिए दोस्तों अभी 12 तारीख की इसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट दी गई है, उसके बाद 7 दिन तक रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब कि लगभग 19-20 तारीख तक अब तक यूं ही हो जाएगा। उसके बाद में भी चांस है कि आपका जो है SC ST कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो में भी चांस है कि यहाँ पर आपका जो है सितंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर में ही आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है बिलासपुर डिवीज़न का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले छात्रों का। और दोस्तों अगर बात करेंगे तो इस पर यहाँ पर बिलासपुर डिवीज़न की अगर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, देखिए 20/5/2024 को नोटिफिकेशन आया था, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 837 वैकेंसी है UR की 649, SC की 125 और ST की 63, टोटल 837 जो है वैकेंसी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 680 ही कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 35 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल पाए गए हैं और 645 जो है एलिजिबल पाए गए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी से भी लगभग जो है 100
60 फॉर्म यहाँ पर लगभग जो है कम गए हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, बस अच्छे से आराम से एग्ज़ाम दीजिए। A1 कैटेगरी का मेडिकल निकालिए और साइको टेस्ट निकालिए, आप ALP बनना है, यहाँ पर आपका तय है। तो दोस्तों, बड़े ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सभी साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड।